वजीर आला पंजाब को वजीर आजम का गैर मामूली एतमाद, नाकिस कारकर्दगी वाले बुजुर्ग को फारिग करने का इख्तियार भी उस्मान बुज़दार को मिल गया। वजीर आला की ज़ेर सदारत आज काबीना इजलास में वज़रा की कारकर्दगी पर भी बात होगी। वजीर आला नाकिस कारकर्दगी के हामिल वज़रा को मजीद मौका देने से मुतालिक फैसला करेंगे। ईद कुर्बा के करीब जिले इंतजामिया ने सब्जियों के सरकारी नर्ख हवा में उड़ा दिए। नर्खनामे में प्याज 35 के बजाय 60 रुपए, टमाटर भी 110 रुपए बिकने लगा। लहसुन की सरकारी कीमत 180 रुपए है लेकिन बिक 300 रुपए का रहा है। अदरक 380 के बजाय 480 रुपए किलो पर फरोख्त होगा। फिरोजपुर रोड पर क्रेन खराब होने के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर ब्रिज के करीब गाड़ियों की तवील कतारें, शहरियों को दफातर और काम की जगहों पर पहुंचने में मुश्किल। खराब ट्रेन का हाल हटाई ना जा सकी। महदूद ट्रेन ऑपरेशन के बावजूद रेलवे हुकाम ट्रेन स्केड्यूल मामूल पर ना ला सके। कराची और कोयटा से आने वाली बेशतर ट्रेनें 4 घंटे तक लेट। तेजगाम काराकोरम शाह हुसैन एक्सप्रेस 2.25 घंटे, पाक बिजनेस अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे, जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे, मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे ताखिर से पहुंचेगी। ठंडी हवाएं, काली घटाएं, वक्फे वक्फे से बारिश, शहर का मौसम हो गया। मुगलपुरा, फिरोजपुर रोड, शाहदरा, माल रोड, टाउनशिप, मॉल टाउन और मरफजार कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके जल्द हल। मुसलसल बारिश से नशेबी इलाकों में ताहाल पानी जमा। मेयो अस्पताल, लेडी एचएसएन अस्पताल जाने वाली सड़क जेर आब आने से मरीजों को मुश्किल। गुज़िश्ता शाम से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी 33, गुलबर्ग 21, जौहर टाउन 19, सबनाबाद 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाजेबा और गैर इखलाकी मवाद की शिकायत पर बिगो लाइफ ऐप ब्लॉक। टिकटॉक को आखिरी वार्निंग। पीटीए ने सोशल मीडिया कंपनीज को नाजेबा मवाद से मुतालिक जारी नोटिस के जवाब में इत्मीनान बख्श इकदामात ना करने पर ब्लॉक कर दिया। पंजाब हुकूमत का महकमा तहफ्फुज़, माहौलियात से सौतेली माँ का सलूक। 33 में से 8 असामियां खाली। हाजिर इंस्पेक्टर्स के मोटरसाइकिलों से महरूम होने के सबब इंस्पेक्शंस में तातुल का सामना। पंजाब बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में शामिल रहेगा। तुर्बत में 100 बेड्स के इस्तेमाल, अस्पताल और रुफ्तान में कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए 1 अरब रुपए बलोचिस्तान हुकूमत को दे चुके। वजीर आला उस्मान बुज़दार की वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जियाउल्लाह लांगो से गुफ्तगू। वजीर आला का बलोचिस्तान के शहरियों के लिए कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में भी सहूलियात का ऐलान। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का रॉयवेंट रोड पर छापा। जाली मीटर के जरिए मुतादिद घरों को गैस सप्लाई का नेटवर्क पकड़ लिया। मीटर्स उतार कर टेस्टिंग के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात देने के खिलाफ समाप्त। हाई कोर्ट का कमिश्नर्स को डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए नोटिस। पंजाब हुकूमत के वकील ने सर्कुलर वापस लेने के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अब अकल आई है, पहले ही बेवकूफ़ी ना की जाती तो अदालत ने इख्तियारात मुअत्तल होने के बाद जेल भेजे जाने वालों की तफसीलात तलब कर ली। अलहमरा में फनून लतीफा की ऑनलाइन तदरीस के इंतजामात मुकम्मल। सितार, गिटार, तबला, बांसुरी, फ्लोट सिखाने के लिए 100 से ज्यादा ऑनलाइन लेक्चर तैयार कर लिए गए। ऑनलाइन कोर्सेज से तलबा और तालिबात के अलावा दीगर भी मुस्तफीद हो सकेंगे। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का पहला कोविड-19 टेस्ट मनफी आ गया। मसाजिर मोहम्मद इमरान का भी पहला टेस्ट मनफी। फास्ट बॉलर बायो सिक्योर माहौल में मुंतकिल। कल दूसरा टेस्ट मनफी आने पर इंग्लैंड।